आज की मूवी एक्सप्लेनेशन में हम लोग बाबा राम रहीम सिंह इंसान जी से भी तगड़े नेचुरल डिजास्टर एक आदमी की स्टोरी देखने वाले हैं। इस मूवी में हम लोग देखेंगे एक ऐसे आदमी की स्टोरी जो कि अपने ही बेस्ट फ्रेंड की एक डॉटर के साथ वहां पे इंटीमेट हो। ये मूवी कसम से मेरे को बहुत ही ज्यादा अजीब लगी। खैर छोड़ो, एंटरटेनिंग ये मूवी है जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी स्टार्ट होती है और हम लोग मिशेल नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी और उसका 2 साल का एक बच्चा भी था, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब बात थी। और हमें पता पड़ता है कि वो यहाँ पे अपनी मॉम के साथ रहती थी। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर उसकी मॉम कहीं बाहर जाते हैं। तो मिशेल जब अपने घर वापस आ रही होती है कहीं बाहर से शॉपिंग करके, तो हम देखते हैं कि मिशेल जब घर पे पहुंचती है तो उसे पता पड़ता है कि उसके घर में अब कोई भी नहीं है। उसकी मॉम कहीं बाहर जा चुकी है और सिर्फ उसका बेटा ही उसके घर में। हम लोग देखते हैं जब वो घर जाती है तो उसको घर में एक आदमी मिलता है जो कि एक सस्पिशियस आदमी था। हमें देखते हैं कि वो यहाँ पर मिशेल के साथ गलत गलत हरकतें करने लगता है। अब यहाँ पर मिशेल का बच्चा उसे बचाने की कोशिश कर ही रहा होता है, तो वो आदमी उस बच्चे को दूर फेंक के मारता है जिससे कि उसे बहुत ज्यादा लग जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे जो केस था वो हॉस्पिटल में आ चुका था, तो हॉस्पिटल वालों को लगता था कि एक चाइल्ड अब्यूज का केस है और हमें पुलिस स्टेशन में इस नाम से एक रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए। अब मिशेल के लाख बार मना करते भी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। हम लोग मिशेल को देखते हैं जो कि एक दिन अपने बच्चे को हॉस्पिटल में जा रही होती है उसे मिलने के लिए, पर यहाँ पर उसे पता नहीं था कि वो हॉस्पिटल कहाँ पे, क्योंकि वो पहली बार हॉस्पिटल भी एक कार में गई थी अपनी मॉम के साथ। अब यहाँ पर हम देखते हैं उसे उसके पापा का एक फ्रेंड मिलता है जो कि कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ दूंगा। हम देखते हैं कि अब उस पर भरोसा करके मिशेल उसके साथ कार में बैठ जाती है, पर वो आदमी उसे अपने घर पे ले आता है ये कहकर कि मेरे घर में बहुत सारे खिलौने हैं जो तुम अपने बच्चे को दे सकती हो। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये कहानी जो थी वो अपने नए मोड़ पे आने वाली थी। हम देखते हैं कि वो आदमी मिशेल को एक रस्सी से अपने कमरे में टांग देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो मिशेल की मॉम थी उसे लगता था कि मिशेल किसी लड़के के साथ भाग गई है, क्योंकि उसके तो अब शादी भी नहीं हो सकती क्योंकि इस पे एक बच्चा भी था, वो भी उसकी उम्र से पहले। तो मिशेल भी अब पुलिस वाले को कुछ उसके बारे में नहीं बताती और उनको तो भाई अच्छा ही लग रहा था कि उनकी बेटी उनके पास से चली गई, उनके ऊपर से एक बोझ हट गया। हम लोग अब मिशेल को देखते हैं और साथ ही साथ उस आदमी को भी जिसका नाम एरियल था, जो कि मिशेल को उस दिन एक रस्सी से बांध देता था, तो उसको हटा देता है जब उसे रोटी खिलानी होती। वो आदमी मिशेल को इतना ज्यादा टॉर्चर करता था कि टॉर्चर के कारण मिशेल के पूरी बॉडी पे अलग अलग तरह के निशान बन चुके थे। हम लोग देखते हैं वो मिशेल को खाना खिलाने की कोशिश भी करता है, पर मिशेल खाना नहीं खाती। अब यहाँ पर देखते देखते 3 महीने बीत जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि जो मिशेल थी वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत बात थी। अब हम देखते हैं उस आदमी एरियल को जो कि अब एक और नई लड़की को अपने उसी रूम में लेकर आ जाता है, और हमें पता पड़ता है कि मिशेल एक न्यूज देख रही होती है, जहां पर हमें पता पड़ता है कि न्यूज में वो रिपोर्टिंग चल रही है कि एक लड़की का किडनैप हो गया, और हमें पता पड़ता है कि वो लड़की वही है जिसको एरियल वहां पर लेकर आया है। उस लड़की के पोस्टर पूरे विलेज में भी लग चुके थे, पर हमें उस लड़की का कोई भी पता नहीं पड़ रहा था पूरे विलेज में किसी को भी कि वो लड़की कहाँ पर है। और फाइनली वो लड़की यहाँ पे एरियल के पास थी जो कि उस लड़की को भी टॉर्चर करने वाला था। भाई यहाँ पे हमें पता पड़ता है मिशेल नाम का आदमी दिमाग से थोड़ा सा पागल था। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे एरियल को पता पड़ता है कि जो मिशेल है वो प्रेग्नेंट है, तो हम देखते हैं वो अपना एक डंबल लेकर आता है और उसके ऊपर हमला करता है बार बार, जिससे कि उसका जो बच्चा है उसकी वॉम्ब में ही उस फीटस की डेथ हो जाए। अब हम देखते हैं जैसे उसकी फीटस की डेथ हो जाती है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे मिशेल एक और न्यूज देख रही होती है, जहाँ पर हमें पता पड़ता है कि एक और लड़की का किडनैप हो गया, और हम देखते हैं कि उस लड़की को भी जो एरियल था वो अपने रूम में लेकर आता है, उसे भी यहाँ पर टॉर्चर कर। भाई ये चीज क्या था, एकदम नेचुरल डिजास्टर बन चुका है भाई ये तो। अब हम देखते हैं कि देखते ही देखते यहाँ पे 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल बाद हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि एक लड़की थी जिसको वहाँ पर एरियल किडनैप करके लाया था, उस लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया है जो बच्चा एरियल का ही था। अब हम देखते हैं कि एरियल को उस बच्चे से लगाव होने लगा था, तो वो एरियल जो था वो उस लड़की की माँ को मारता पीटता नहीं था, इसके बजाय वो यहाँ पे मिशेल को बहुत ज्यादा मारता था। अब एक दिन हम लोग देखते हैं कि जो एरियल था वो अपने घर के बाहर जाता है, पर अनफॉर्चुनेटली वो अपने घर का जो गेट था उसे एक लगाना भूल जाता है, और वहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि जिसे वो किडनैप करके लाया था वो उस गेट से बाहर आ जाती है और वहां पर नेबर्स को बुला लेती है, जिसके बाद नेबर्स उन सभी लड़कियों को रिकवर कर लेते हैं। हम लोग देखते हैं मिशेल को जो कि 2 साल बाद उस घर से बाहर निकली थी और जिसे अपनी आजादी बहुत ही ज्यादा प्यारी थी, वो पहली बार आजाद हुई थी इन 2 सालों में। हम लोग देखते कि उस केस की कोर्ट में हियरिंग चल रही थी और जो मिशेल थी वो उस आदमी के साथ सारे सबूतों और गवाहों के साथ उस आदमी को एक उम्र कैद की सजा दिलवा देती है। जिसके साथ दोस्तों ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। अगर आप लोगों को ये मूवी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मुझे सपोर्ट करने के लिए, एंड इस वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि मुझे कुछ मोटिवेशन मिल सके आपके लिए एक और नई वीडियो बनाने के लिए। साथ साथ कमेंट में ये जरूर लिखना कि मैंने इस वीडियो में क्या क्या गलतियां करी हैं, ताकि अपनी फ्यूचर वीडियोस में
मैं उन गलतियों को सुधार सकता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।